समुद्री कहानियां बनाने में मुझे बहुत मजा आता है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी ड्राइंग में अंडर वाटर इफेक्ट लाया जा सकता है। इस तकनीक के लिए हम सेलोफिन शीट का इस्तेमाल करेंगे। ये कमाल का मटेरियल है क्योंकि ना ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट है बल्कि इसमें काफी सारे कलर्स भी आते हैं। इससे आपको सुपर डुपर इफेक्ट्स देने के लिए बहुत सारे मजेदार आइडियाज मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक एक्वेटिक ड्राइंग बनानी है। पेज के बीच में आप एक बहुत ही सिंपल सा सबमरीन बनाइए। इसका पेरिस्कोप भी बनाइएगा। इसमें आप जो भी डिटेलिंग करना चाहते हैं कीजिए। समझिए कि आपको इसके डिजाइनिंग का काम मिला है। इसमें दो गोल खिड़कियां भी होनी चाहिए ताकि उनसे हम उन्हें देख सकें जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर चाहें तो आप खुद भी एक पैसेंजर बन सकते हैं और आपका पेट दूसरा जो खिड़की से टकटकी लगाए समंदर की तरफ देख रहा है। अपने पसंदीदा कलर्स लीजिए। मैं पेरिस्कोप और खिड़कियों के लिए येलो कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने किरदार को अपने मुताबिक कलर दे सकते हैं। ये बच्चा तो बहुत खुश नजर आ रहा है। हो सकता है कि सबमरीन में इसका पहला सफर है। मैं बाकी की सबमरीन को ब्राइट पिंक कलर दूंगा। देखिए पीले रंग के साथ ये कितना निखर कर आ रहा है। पेंट सूखने के बाद मार्कर से ड्राइंग के आउटलाइन ट्रेस कीजिए। फिर ड्राइंग को नीले सेलोफिन से कवर कीजिए और खिड़कियों के शेप को और पेरिस्कोप के कांच को उस पर ट्रेस कर लीजिए। ये पीसेस काट कर आप अपनी सबमरीन में ग्लू स्टिक से चिपकाइए। इन्हें ऐसे चिपकाइए ताकि लगे कि खिड़कियों पर कांच है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, ये बच्चा और उसका डॉगी इन नजारों को खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पानी कहाँ है दोस्तों? सबमरीन तो समुद्र के गहरे पानी में सफर करती है ना, तो अब आगे आके देखिए होता है क्या। समुद्र का बेड बनाने के लिए ब्लू सेलोफिन का एक रेक्टेंगल काटिए। इसे किसी बड़े की मदद से काट लीजिए। इसे ऐसे रोल कीजिए। अब इसमें एक बेबी कट दीजिए। देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। जब आप इसे खोलेंगे तो देखेंगे कि ये समुद्र की लहरों की तरह लग रहा है। ग्लू स्टिक से थोड़ा सा ग्लू लगाइए और सेलोफिन को यहाँ पर चिपका दीजिए। अपनी उंगलियों से अच्छी तरह दबाइए ताकि कोई बबल ना छूटे। अब और सेलोफिन को वेव्स के शेप में काट कर ग्लू से चिपकाइए। ये वेव्स कुछ छोटी और कुछ बड़ी होनी चाहिए। अगर आप इन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे तो आपको ब्लू के अलग अलग गाढ़े शेड मिलेंगे। समुद्र के पौधे और घास फूस बनाने के लिए आपको अलग अलग कलर की सेलोफिन चाहिए। अब इन्हें चिपकाने के लिए हम दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। सेलोफिन को हाथों से दबाकर कुछ इस तरह का शेप दे दीजिए, ये देखिए। और अब फाइनल टच के लिए लाल सेलोफिन रेक्टेंगल को थोड़ा मोड़िए इस तरह और सीवीड के ऊपर चिपका दीजिए। ये हुई ना बात। ये देख रहे हैं, समुद्र के तल को और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने थोड़ी और सीवीड चिपका दी है। और क्योंकि ये बच्चा और उसका डॉगी इतने उत्साहित हैं, वो सबमरीन के बाहर कूद पड़ते हैं और समुद्र की रंग बिरंगी दुनिया को खोजने निकल पड़ते हैं। अब मैं आपको एक और दिखाऊंगा। ये देखिए, समुद्र के नीचे सिर्फ ये दोनों नहीं है, इसे देखिए, यहाँ एक भालू मजे से समुद्र की सैर कर रहा है। अब दोस्तों आपकी बारी है। जो भी डिजाइन आपको पसंद है आप वो बनाइए और फिर इस बेहतरीन तकनीक से उसमें गोता लगाइए।